वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। तो आज हो चुकी है 6 जून और आज सीडीएस के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो और वो भी शाम के 6 बजे तक, ये नहीं है आपके रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वैसे तो फॉर्म फिल कर दिया होगा, पर अगर फॉर्म फिल नहीं करा है तो वेट ना करें और तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था, शायद मैंने पहली बार देखा सीडीएस के में लास्ट के 6-7 टाइम में, कि पहली बार डेट बढ़ी थी कि फॉर्म फिल करने की, लेकिन आप उसका वेट ना करें, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती, तो आप आज ही फिल कर देंगे ज़्यादा बेटर है। मैं तो कह रहा हूँ जल्द से जल्द जाइए, क्योंकि साइड लास्ट टाइम पे हो सकता है बिजी ही चल रही हो अभी भी, लेकिन मैंने भी खुद भी कल ही भरा है। मैं फिरोजाबाद से रहता हूँ तो मैंने सेंटर आगरा भरा है, अगर आप लोग का थोड़ा सा भी मन हो तो आप भी आगरा भर सकते हैं अगर पास में रहते हो तो। एक तो ये अपडेट देनी थी, दूसरी ये थी कि वीडियो बहुत लेट बन रही है, इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये बहाने वाला रीज़न कि पैर तोड़ लिया मैंने अपना क्रिकेट खेलते हुए। दूसरा रीज़न ये है कि जब से सीजीएल सिलेक्शन हुआ है तब से पढ़ाइयाँ बिल्कुल भी बन नहीं लग रहा है, और विचार ये भी आते हैं कब तक वही साइन डेटा कॉस डेटा एलजेब्रा वही सब चीज़ें कब तक पढ़ते रहेंगे, और उस चक्कर में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो कल संदीप सर की वीडियो देखी तब जाके मोटिवेशन मिला, तो वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो ना बना पाने के पीछे एक मेन रीज़न ये भी था कि 13 मई को जो है चैनल डिमोनेटाइज हो गया, मतलब अभी तक जो ऐड देखते थे उनके पैसे मिलते थे, तो 13 मई को डिमोनेटाइज हो गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन कोड आता है गूगल की तरफ से, है ना, तो पिन कोड यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आया ही नहीं है फिरोजाबाद में, पता नहीं क्या ड्रामे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने दूसरी बार सेंड करा तो भी नहीं आया। अब कल मैंने फिर से अप्लाई करा है तो देखते हैं आ पाता है कि नहीं आ पाता, 2-3 हफ्तों की बात होती है और 4 महीने हो गए अभी तक 2 बार अप्लाई करा है नहीं आया है। तो अभी जो है जो भी वीडियोज हैं वो चलेंगे, तो उन पर पैसे 0, 0, nothing। तीसरी अपडेट ये है कि कल 5 जून को जो है कैग ऑडिटर अकाउंटेंट और डिविजनल अकाउंटेंट WO वालों के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं स्टेट प्रेफरेंस के, तो वो कल मैं कैग अकाउंटेंट में सिलेक्ट हुआ हूँ। एक भाई को बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके तकरीबन 10 कमेंट होंगे, मैं सोच रहा हूँ वीडियो पे चला दूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों को भी कि मैं SC कास्ट से हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही थी कि 315 कही है कट ऑफ, इतनी कैसे जा सकती है, ये कैसे जा सकती है, तो मेरे मार्क्स भी आ गए हैं, वो मार्क्स भी मैं आपको शो करा दूंगा। तो 291 मार्क्स बने हैं नॉर्मलाइजेशन होके, और जो कट ऑफ गई थी उस SC कास्ट में वो 288 गई थी कैग अकाउंटेंट की। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट थे उस बंदे के, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं करा, परेशान हो रहे हैं, तुम सोच रहे हो जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर, बट उनके चक्कर में कोई दूसरा तीसरा बंदा ना सोचे, तो रिप्लाई करना ज़रूरी था तो बता दिया, ठीक है भाई। अब जो है कोशिश करूँगा मैं वीडियो रेगुलर बनाने की, आपके जो भी डाउट हैं CGL CDS के रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं, वैसे मेरे को पता है वो ये स्ट्रेटजी बतानी है आपको, लेकिन मैं स्ट्रेटजी की वीडियो खुद भी बनाने से इसलिए डरता हूँ क्योंकि वो वीडियो तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, हर बार वही चीज़ें बोलने में मेरे को अलग लगता है, मतलब गलत सा लगता है कि मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ दोहरा रहा हूँ। पुराने बंदे देखते होंगे तो यही बोलते होंगे हाँ भाई सुन लो समझ में आ गया, एक ही बात है तेरे पे। अब स्ट्रेटजी में ये थोड़ी बताऊंगा कि कल बोला मैंने 9th की ये वाली किताब कर लीजिए, दूसरे टाइम पर बता रहा हूँ ये वाली कर लीजिए, नहीं ऐसे थोड़ी है, वही चीज़ तो चलेगी। फिर भी मैं अब लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बता दूंगा जरूर, नहीं बोलेंगे तो भी बना दूंगा। और जुलाई में जो है MA फाइनल ईयर के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो मैं MA कर रहा हूँ SR के कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे ही एक डिग्री हासिल करने की जो प्रथा होती है उसके लिए MA करी थी, और BSc करी है मैंने PCM से, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो बस इतना ही ख़त्म करते हैं, बाकी आपके जो डाउट है वो आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और CDS का फॉर्म जो है ज़रूर फिल कर दें, और CDS CGL अगर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन हो रहा हो कि किसकी तैयारी कर रहे हैं किसकी नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे, आपके जो डाउट है वो आप क्लियरली पूछिए बस, ठीक है, क्योंकि डाउट पूछेंगे तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है ना, किस पर बनानी चाहिए। एंड बाय, मैं अपने मार्क्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शो करने वाला हूँ, ठीक है भाई, CGL के, ओके okay?